हरे जय गोपी जन बल्लभ जय कल्पतरुर्भस्य कृपा सिंधु भैवच
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः अवदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीकर्त श्री राधाकांत नमस्तुते। तत् कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वृंदावी तुलसी देवी प्रियावी केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवती नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितिनीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदय श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायुक्त प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गतकल्य श्रवण कर रहे थे, क्या सुन रहे थे किसको याद है? कल हमने कहाँ पर कथा को विश्राम दिया था? कौन बोले? बोलो चैतन्य महाप्रभु के पास में आए और आ करके बोले, प्रभु मैंने पहले बहुत वैष्णव को मैंने निंदा किया है। क्यों? बोले कलयुग कोई वैष्णव वैष्णव होता है? कलयुग में कोई वैष्णव वैष्णव है नहीं, लेकिन अभी वैष्णव का संग से आपका कृपा से अभी मेरे को पता चला नहीं कलयुग में भी वैष्णव है। और विशेष करके कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी शिवधाम सह अवतरी। इसलिए कलयुग में श्रीमान महाप्रभु पूरा गोलोक वृंदावन को उन्होंने कलयुग में उतार दिया। और एकादश स्कंध में विशेष करके कहते हैं जितना बड़ा बीमारी हो ना उसके लिए उतना स्ट्रांग दवा भी चाहिए। बीमारी अगर बड़ा हो उसके लिए दवा भी बड़ा चाहिए। कलयुग युग न कली है, सत्य तृतीय द्वापर कली। कलयुग में सबसे खतरनाक सबसे घृणित कौन सा युग है? कलयुग। इसलिए अगर कलयुग में अगर ये निकृष्ट ये युग है उसके लिए उतना कड़ी दवा चाहिए कि नहीं? उतना कड़ी दवा चाहिए। इसलिए उतना कड़ी दवा चाहिए इसलिए कलयुग में विशेष करके बड़े बड़े वैष्णव लोग कलयुग में आए हैं। कलयुग में बड़े बड़े वैष्णव लोग आए, इसलिए महाप्रभु जब आए पूरा गोलोक वृंदावन उतार दिया। फिर प्रभुपाद भेजे, भक्तिवर ठाकुर को आए, नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आए, प्रभुपाद आए, प्रभुपाद का गण आए, कितने बड़े बड़े वैष्णव आए हैं। इसलिए जब लेकिन जब वैष्णव का संग मुझे प्राप्त हुआ ना फिर पता चला नहीं कलयुग में भी बड़े बड़े वैष्णव बड़े बड़े सख्याल महाप्रभु कलयुग में आए। कृष्ण स्वयं राधा जी भाव अंग गांधी लेकर के कलयुग में आए। अभी प्रभु मैंने बहुत वैष्णवों को मैंने निंदा किया, साधुओं को निंदा किया, अभी मेरे कल्याण कैसे होगा? उन्होंने क्या बताए थे? कहते जिस मुंह से तुमने विष खाए हो
अगर उसी मुंह से अगर अमृत पियोगे फिर क्या होगा, फिर तुम अमरत्व को प्राप्त करो। अभी जिस मुंह में तुमने वैष्णव का निंदा की है उस मुंह से क्या करो, वैष्णव का गुणगान उसी मुंह से करो। करने से क्या होगा, फिर तुम्हारे सारे अपराध तुम्हारी क्षमा हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं जो वैष्णव निंदा है ना, यदि सबसे खतरा, ये सबसे खतरा है। कहते हर चीज जगाई माधाई को महाप्रभु क्यों उद्धार किया, पाप तो उन्होंने किया था, जो पाप ही है शरीर संबंधी, लेकिन जो अपराध है आत्मा संबंधी, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े पाप किया। अजामिल ने बड़ा पाप किया, पापी था है, इसलिए वाल्मीकि ने पापी थे, इसलिए इनको उद्धार हो गया। लेकिन अगर कोई वैष्णव अगर निंदा करता है, गुरु अवज्ञा करता है, कहते इससे तो निकलना बड़ा कठिन, ये बड़ा कठिन। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं बोले करोड़ प्रायश्चित में भी ये वैष्णव अपराध खत्म होने वाले नहीं, केवल एक उपाय है, क्या करो, वैष्णव का नाम को लेकर के रो और मुंह से खूब वैष्णव का गुणगान करो, वैष्णव का गुण कीर्तन करो, उसे सही कल्याण होगा। कहते जो देवानंद पंडित का कथा पहले आया था, हम लोगों ने सुना था, ये देवानंद पंडित पहले बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन था तो विद्वान लेकिन भक्तों का संग नहीं किया, नहीं होने का नाते संस्कृत ज्ञान तो था लेकिन संस्कृत ज्ञान ही सब कुछ जीवन में नहीं है, ये सब कुछ नहीं। बड़े बड़े पंडित पढ़े हुए हैं, जब दुनिया में कोई पूछने वाले नहीं, और देवी शंकर और इधर उधर देवादेवी को पूजा करने वाले, लेकिन बड़े बड़े विद्वान है लेकिन होने पर भी कोई ज्ञान नहीं, भक्ति जगत का कोई ज्ञान नहीं। इसलिए भगवत भक्ति जगत में एक मूर्ख से मूर्ख भी भगवान को समझ सकता है, लेकिन एक बड़े से बड़े विद्वान भी भगवान को नहीं समझ सकता है। इसलिए हमारे गुरुदेव कह रहे थे, एक व्यक्ति मंदिर में आया, कितने कोई लिखा बड़ा नहीं था, उसने कहा मैंने जीवन में कुछ ही नहीं करता, हमने कोई लिखा बड़ा है ही नहीं, कोई विद्वा पंडित नहीं। बोले तुमने मंदिर में रह करके क्या सीखा, बोले एक ही चीज सीख लिया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म, जब हम कृष्ण भजन कर लेंगे तो सभी का भजन करना हो गया, बस हो गया तुम्हारा कल्याण हो गया। ये इतनी सी बात बड़े बड़े पंडित भी नहीं समझ पाए। पहले मैंने सुनाया था ना, मेरे गुरुदेव जो वेदांत सूत्र उपनिषद गीता को निकाले, जो यूनिवर्सिटी का जो प्रिंसिपल था, सबसे बड़े जो विद्वान, उसमें कोई संस्कृत में कोई भूल नहीं हो, उनको जरा प्रूफ रीडिंग करवाया, सब कुछ उन्होंने सब कुछ किया। एक दिन गुरु जी ने पूछा, पंडित जी आप क्या समझे हो, बोले भैया देवी जी सब कुछ, सारे पंडित सारे विद्वान होकर के भी तब भी भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाया। अगर गौड़ीय मठ में आकर इतना अगर समझ गया, कृष्ण भजन करने से हैं सबका भजन हो जाता है और कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म बात हो गया। इसलिए कहते ये देवानंद पंडित तो बड़ा विद्वान था, कहते ये शांत तांत सर्वगुण संपन्न, लेकिन जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ लीला में थे उसी समय में महाप्रभु को उसने समझ नहीं पाया, महापुरुष को शासन किया, डांट लगाए, क्योंकि जब श्रीवास के चरण में उन्होंने अपराध किया था, डांट लगाए उसको, लेकिन महाप्रभु को समझ नहीं पाया। लेकिन परवर्ती समय में जब श्री बग्रेश्वर पंडित जब इनकी संग इनको मिला, फिर तो भक्ति की महिमा, फिर महाप्रभु को फिर वो समझ पाए, महाप्रभु को नहीं भक्ति किया है भागवत किया तब भी समझे, इसकी कृपा से बग्रेश्वर श्री भगवान की परिकर श्री बग्रेश्वर पंडित की कृपा से ही। इसलिए कहते यहाँ पर कहते कारण बक्रेश्वर संग मिलन प्रभु प्रिय पात्र कृष्ण, कहते कृष्ण प्रेम में जो विवल रहता था शरीर में सारे अष्ट साधक भाव प्रकट होता था, इसलिए इनकी कृपा से ही उन्होंने वैष्णव व महाप्रभु का प्रति इनकी श्रद्धा भक्ति। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं कृष्ण सेवा हरिते वैष्णव सेवा बड़ो, यही कथा प्रभु वेद भागवत कहिला। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बोले कृष्ण सेवा से जो वैष्णव सेवा ये श्रेष्ठ है, भगवान ने वेद भागवत में ये बात उन्होंने दृढ़ता पूर्वक बताया। कोई श्लोक बोलो वैष्णव सेवा से। हाँ और
आराधनानां परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। इसलिए ये श्लोक शंकर जी पार्वती को कह रहे हैं। बोले पार्वती, जब पार्वती ने पूछा बोले प्रभु जगत में किसकी आराधना सर्वश्रेष्ठ है, तब शंकर जी बोले पार्वती आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराधना परम। जितने आराधना में भगवान विष्णु का आराधना सर्वश्रेष्ठ। पार्वती तो दुखी हो गई, बोले जिंदगी भर शंकर जी की सेवा करते करते जीवन गया, शंकर जी अभी कह रहे विष्णु की आराधना बड़ा है। लेकिन शंकर जी बोले पार्वती उसी से भी एक श्रेष्ठ आराधना। बोले कौन? बोले तदीयानां समर्चनम्। तदीय भक्तों का जो सेवा करते हैं भगवान सेवा से भी बड़ी, उनका तो तसल्ली आएगा। ठीक है, शंकर जी की सेवा कर रहे हैं, शंकर जी वैष्णव है, हैं? इसलिए और श्लोक क्या है? बोले सिद्धिर भवति वा नेति संशय अच्युत सेविनाम निसंशय च अत्र तत् भक्त परिचर्या प्रथा। जो व्यक्ति डायरेक्ट भगवान की उपासना करते हैं, पूजा सेवा करते हैं, शास्त्र कहता है भगवत सिद्धि में उनकी शंका है, सिद्धि मिल सकती वह नहीं मिल सकती। लेकिन तद भक्त परिचर्या रतात्मना, जो भगवान की भक्तों की परिचर्या में जो रत है, कहते निसंशय च अत्र उसको सिद्धि जरूर मिलेगा है। क्योंकि भक्तों का हृदय में भगवान का निवास, भक्त सेवा करने से भगवान अपने आप उसको पर में प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इसलिए कहते बक्रेश्वर हृदय कृष्णेर निज घर, कृष्णा नृत्य करे नाचीते बक्रेश्वर। कहते बक्रेश्वर का हृदय में, भक्तों का हृदय में भगवान की अपना घर है। जब श्री बक्रेश्वर नृत्य करता है, जब भक्तों का हृदय में भगवान, पर भगवान ही नाचते हैं, क्योंकि भक्तों का हृदय में भगवान का निवास है। इसलिए कहते जहाँ पर श्री बक्रेश्वर है, कहते वहीं पर ही भगवान का धाम वैकुंठ धाम है। जहाँ पर भक्त लोग है, जथा वैष्णवगण सही स्थान वृंदावन, सही स्थान अशेष आनंद, बोले गिरी तथा गोवर्धन भूमि तथा वृंदावन प्रकट नि साक्षात धादि। बोले जहाँ पर वैष्णव का संग, जहाँ पर वैष्णव है वहीं पर गिरिराज, वहीं पर गोवर्धन, वहीं पर राधा कुंड, वहीं पर सब कुछ वहीं पर है। लेकिन अगर हम सख्यात राधा कुंड में निवास कर रहे हैं, गोवर्धन में बास कर रहे हैं, बीड़ी फूंक रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं, क्या गोवर्धन वास है? राधा कुंड में रह रहे हैं लेकिन कोई भक्ति भक्ति से कोई मतलब है ही नहीं, राधा कुंड से मछली पकड़ते हैं। इसलिए कहते क्या राधा कुंड में रह रहा है क्या है? वो क्या राधा कुंड में रह रहा है? नहीं रह रहा। लेकिन कोई अगर विदेश में रह रहा है, अमेरिका लंदन फ्रांस में रह रहा है, लेकिन वहां रहते हुए भी ठाकुर का नित्य आरती कीर्तन तुलसी परिक्रमा भागवत कथा सुनना, हर समय ठाकुर जी की सेवा पूजा भजन में संलग्न रहता है, हैं? इसलिए अगर कोई भक्ति करने वाला अगर विदेश में रहा तो कहते वहीं पर ही वृंदावन है। लेकिन वृंदावन में रहने पर भी है वृंदावन वास नहीं होता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं जहाँ पर श्री बक्रेश्वर का संग वहीं पर वैकुंठ है। इसलिए तब श्री देवानंद पंडित महापुरुष से प्रश्न कर रहे हैं। बोले प्रभु अभी बक्रेश्वर पंडित का कृपा से महापुरुष का प्रति उनकी भक्ति हुई। बोले प्रभु अभी भागवत का हम कैसे व्याख्यान करें, भागवत का हम पाठ कैसे करें? तो महाप्रभु कह रहे हैं बोले देखो बोले सुना विप्र भागवते कही बाखा निवा भक्ति बिना आर किछु मुख ना आनिवा। तो जब भागवत का व्याख्या करो भक्ति को छोड़ कर के मुंह में कोई भी बात नहीं लाना। बोले आदि मध्य अंते भागवते यही कहे कृष्ण भक्ति नित्य सिद्ध अखय अभय। आदि मध्य अंते भागवत यही बता रहे क्या कृष्ण भक्ति ही नित्य सिद्ध अक्षय और अभय है। दुई स्थाने भागवत नाम सुनी मात्र ग्रंथ भागवत आर कृष्ण कृपा पात्र। इसलिए दो स्थान में भागवत का नाम हम सुनते हैं। कैसे दो भागवत क्या? बोले एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत, कहते दो भागवत है। इसलिए भागवत का अंत मध्य और आद्य क्या बता? भक्ति भक्ति।
इसलिए श्री जीव गोस्वामी के श्री भक्ति संदर्भ में उन्होंने भक्ति संदर्भ उसका नाम ही भक्ति संदर्भ है, इसलिए भक्ति संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी वहां पर दिखाते हैं वहां पर भक्ति कैसे सब कुछ और सर्वत्र कैसे भक्ति भक्ति है, हैं? इसलिए यहाँ पर कहते हैं भागवत में बहुत सारे संवाद है, बहुत सारे संवाद। एक संवाद श्री नारद व्यास संवाद, तो वहां पर उन्होंने क्या बताए, बोले यथा धर्म दयाश्चार्था, बोलो मुनि न तथा वासुदेवस्य महिमा जनवर्णित। जब श्री व्यास देव सारे ग्रंथों को लिख डाले लेकिन उनको शांति नहीं मिल रहा है, इसलिए जब श्री नारद जी आए जब उनको पूछा मेरे को शांति क्यों नहीं मिल रहा है, बोले देखो शांति तभी मिलेगा जब तुम भक्ति की महिमा बताओगे, बोले तुमने दूसरे दूसरे धर्मों को जितने तुमने बढ़ा चढ़ा कर बताए ना, लेकिन भगवान की भक्ति की महिमा तुमने नहीं बताई, भगवान की गुणगान तुमने नहीं किया, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिलता है। इसलिए हम भी संसार में बहुत कुछ करते हैं, हम जो कुछ करते हैं शांति सुख के लिए, पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं, नौकरी चाकरी क्यों करते हैं, शादी विवाह क्यों करते हैं, लेकिन क्या शांति मिलता है, शांति नहीं सुखा जीवन है। बोले क्यों, कारण है भगवान की भक्ति नहीं करते, प्रभु की भक्ति ही छोड़ दिया है। कहते सुख परिखित संवाद है, सुख परिखित संवाद में यह वहां पर क्या बताए, बोले सबई पुंसाम परो धर्म चत भक्ति अध्वक्षजे आहेतु के अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसिद्ध। वहां पर भी सुख है, कहते सुख परिखित संवाद में वहां पर भी बताए आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, बोले सबई पुंसाम परो धर्म जीव मात्र का वही श्रेष्ठ धर्म है चत भक्ति अध्वक्षजे, अध्यक्ष जो भगवान में भक्ति करना ही यही जीव का परम धर्म है, जया आत्मा संप्रसिद्ध उसको द्वारा ही आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए कहते भक्ति योग सर्व सारे वेद में हैं, कहते जो वेद में बताया भक्ति योग ही सर्व वेद सिद्ध है, सर्व वेद में यही सिद्धता किया किया भक्ति योग श्लोक है, बोले अकाम सर्व काम बा भक्ति पर सर्व काम काम जिसका उदार बुद्धि वो क्या करेगा, अकाम अकाम मतलब होता है सब काम को लेकर के हो, वह सर्व काम सारे कामना वासना लेकर के हो है, अकाम सर्व काम मोक्ष काम अगर मुक्ति भी पाना चाहता है तो क्या करनी चाहिए, उदार अदिति प्रेण भक्ति जोगे ना जजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति को साथ में भगवान को भक्ति करनी चाहिए तभी जीवन में शांति मिलेगी। इसलिए कहते ब्रह्मा नारद संवाद में, ब्रह्मा नारद संवाद में समस्त शास्त्र के पर, इसलिए वहां पर श्री ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, कहते मैंने जब सारे शास्त्र को तीन तीन बार मैंने अच्छे तरह से पढ़ा, जितना शास्त्र सब शास्त्र को मैंने अच्छे तरह से तीन तीन बार मैंने पढ़ा, पढ़ करके सिद्धांत क्या निकला, सारे शास्त्र पढ़ करके सिद्धांत यही निकला भगवान के चरण में भक्ति करना ही जीव का यही धर्म है, इसी से ही जीव को शांति मिलेगा। भले विदुर मैत्र संवाद में कहते वहां पर भी भक्ति की महिमा बताए, साधु बर्ज्यादीश, इसलिए वहां पर भी साधु संघ की महिमा और साधु संघ में भगवान की भक्ति, कपिल उपाख्यान में भी साधु संघ की महिमा, वहां पर प्रह्लाद भी क्या बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मा निवेदनम, वहां पर भी यही बात बताए भगवान को नव विद्या भक्ति को द्वारा उनको उपासना करनी चाहिए। कहते से चित्र के तो उपाख्यान में भी है यही भक्ति के बारे में है, माम उत्तम श्लोक जनेसु सख्य संसार चक्रे ब्रह्मत स्वकर्म, भी वहां पर भी यही बताए भगवान की भक्ति, अजामिल उपाख्यान में भी। इसलिए कहते यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी दिखाते हैं जो भक्ति है सर्व शास्त्र में केवल भगवान की भक्ति, प्रभु की चरण में प्रेम की बात और कोई बात नहीं बताया,
अगर इतना बात अगर जीवन में सीख गया तो समझो सब कुछ तुमने पढ़ लिया, सब पंडित बन गया। इसलिए मीरा जी के वचन है, शास्त्र पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बना ना कोई, ढाई अक्षर पढ़ा सो पंडित जितो सोई। उसमें कहते हैं सारे शास्त्र को पढ़ पढ़ करके हैं कोई जगत में पंडित नहीं बढ़ा, लेकिन प्रेम प्रेम जो ढाई अक्षर है, प्रेम प्रेम जो ढाई अक्षर पढ़ा सो पंडित सोई। पंडित कौन है? जो प्रेम जो ढाई अक्षर जो पढ़ लिया वही सबसे बड़ा पंडित है। इसलिए महाप्रभु ने बताया, देखो जब भागवत को तुम व्याख्या करो, एक चीज को लक्ष्य करके व्याख्या करो, भगवान के चरण में भक्ति हो, प्रेम हो, बस। इस जगत में भी देखना, संसार में बीवी बच्चे पुत्र परिवार सब कुछ, लेकिन प्रेम नहीं है। फिर लास्ट में सुसाइड कब करता है? जब देखता है पति भी प्यार नहीं करता, पत्नी भी प्यार नहीं करता, बच्चे भी प्यार नहीं करते, परिवार में कोई प्रेम नहीं, लास्ट में सुसाइड करता है। इसलिए अगर सब कुछ अगर प्रेम नहीं हो सब बेकार। इसलिए सबका सार क्या है? प्रेम सबका सार। अभी श्री चतुर्थ अध्याय में कहते हैं, अभी श्रीमान महाप्रभु अपना भक्त लोगों को लेकर के श्री वृंदावन आ रहे हैं। जब वृंदावन आ रहे हैं, गंगा किनारा होते 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 आ रहे हैं। जब गंगा किनारे में आ रहे हैं, महाप्रभु गंगा में स्नान कर रहे हैं, गंगा का पानी को भी पान कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर गंगा जब महाप्रभु स्नान करते हैं, इसलिए एक समय गंगा जमुना बहन, यमुना बड़ी बहन, गंगा छोटी बहन। एक दिन गंगा बड़ी बहनी यमुना को कहती, बोली यमुने तो कितने सौभाग्यवती, क्योंकि कृष्णा वृंदावन में जन्म ग्रहण किए, यमुना में जल विहार करते हैं, जल विहार करते हैं और नौका विलास करते हैं, यमुना में सारी लीला कृष्ण किया है, इसलिए तो कितने सौभाग्यवती। यमुना कहती है गंगा कोई चिंता मत करो, यही कृष्ण ही कलयुग में राधा रानी के भाव अंग कांति लेकर के नवद्वीप में जन्म ग्रहण करेंगे। जब करेंगे ना तुम में भी लीला विलास करेंगे। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर वर्णना करते हैं, महाप्रभु जब जल विहार करते हैं किसमें? गंगा में। गंगा क्या करती है? अपना लहरी को हैं, इसलिए थोड़ा महाप्रभु को ऊपर उठाते नीचे गिराते, ऊपर उठाते नीचे गिराते, उनको नीचे करते हैं, लहरी को द्वारा महाप्रभु सांता महाप्रभु तैरते हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ पर गंगा में महाप्रभु कहते उनका जितनी इच्छा थी सारी इच्छा को उन्होंने पूर्ति की। पूर्ति करते करते जब उन्होंने श्री राम कली ग्राम में आए, जब वहां पर आए, महाप्रभु सोच रहे थे भक्त लोगों को पता नहीं चले और मैं गंगा किनारे होते 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 में श्री कहाँ पर पहुंच जाऊं, श्री वृंदावन पहुंच जाऊं। लेकिन कहते अगर सूर्य उदय हो, अगर उसको हाथ देकर कोई उसका किरणों को बंद कर सकते हैं? नहीं, वह सूर्य प्रकाश होगा ही। और जहाँ पर महाप्रभु जा रहे हैं उनको पीछे जब जहाँ जहाँ भक्त लोगों को पता चला महाप्रभु जा रहे हैं उनको पीछे, यहाँ पर गए तो लाख लाख लोग महाप्रभु को पीछे पीछे, महाप्रभु को पीछे पीछे निताई गौर ब्रह्मानंदे सबके सब महाप्रभु को पीछे पीछे भक्त लोग चल रहे हैं। चलते चलते अभी जब उन्हें रामकली ग्राम में आए ना, वहां पर किसने जाकर के राजा को है जाकर कोई बोला, कहते एक सिपाही जा कोतवाल जाकर के बोला सिपाही, बोले कोई एक सन्यासी पता नहीं कौन सा भूत का नाच, ये तो जो भगवान को सामने नृत्य कीर्तन किसके धर्म है? हमारे हिंदू धर्म। भगवान को नृत्य करके रिझाना, जैसे जगन्नाथ जी को सामने, जैसे वहां पर देवदासियों को राय रामानंद सजा करके गीत, उनको जगन्नाथ बल्लभ नाटक के ऊपर में उनको सुंदर सजा करके है जय जय देव हरि इसको ऊपर में, और जो श्रीत कमला कुछ है उसको ऊपर में बड़े सुंदर, किसका धर्म में नाच कीर्तन? हमारे धर्म में एक व्यक्ति कब नाचता है? हृदय में जो आनंद, दुख में नहीं, हृदय में जो आनंद, जो हम लोग नाचते हैं, ए पांच मिनट अगर मृदंग करता जो नाच गया ना, अरे मन का सारे दुख दूर हो जाता है। प्रेम में सुख में नाचते, दुख में कोई नहीं नृत्य करते हैं। जब हृदय में आनंद नहीं समा करके जो उफन करके बाहर निकलता है तभी कोई व्यक्ति नृत्य करता है, नहीं तो कोई नाचेगा नहीं। धूप में कोई नाचेगा? वो गुमसुम होकर बैठा रहेगा। इसलिए नृत्य कीर्तन तो हमारी सनातन धर्म में है। इसलिए मीरा नाचती थी, ब्रज गोपियां रास करती थी, नृत्य करती थी कृष्ण के साथ में।
इसलिए सनातन इसलिए मुसलमान धर्म में तो नाचना बचना कुछ है ही नहीं। इसलिए सिपाही ने कहा कोई एक संन्यास पता नहीं कौन सा भूत का नाश है, पता नहीं कहते नाचते हैं, पता नहीं उनको पीछे लाख लोग उसको पीछे हरी बोल करते करते उनको पीछे लाख लाख वो जिधर जाता है पता नहीं उसको पीछे लोग सब के सब पीछे पड़ जाते हैं, कीर्तन करते हैं उसको पीछे पीछे। इतने में चैतन्य महाप्रभु ने उनको पूछा, चैतन्य महाप्रभु उस समय मेरे राजा ने कहा जाओ तो देख करके आओ वो देखने में कैसे है, उसका नाम क्या है, क्या खाता है, उसको उसका शरीर का गठन क्या है, इसलिए उसको देख करके आओ। तो कोई किसको भेजा, अब भेज करके उन्होंने जब देख करके आया महाप्रभु का रूप को वर्णना कर रहे हैं, क्या उनका रूप क्या वर्णना, बोले जिनिया कनक कांति प्रकांड शरीर, तो शरीर कैसे, बोले जिनिया कनक कांति तप्त कांचना गौरांगी, महाप्रभु राधारानी भाव अंकांत लेकर के आए, महाप्रभु कच्चा हल्दी जैसे रंग है, ऐसे ही महाप्रभु का रंग है प्रकांड शरीर महाप्रभु, जो भी जितने जो 26 जो महापुरुष का लक्षण है सबके सब महाप्रभु के अंदर में सारे विद्यमान था। बोले आजान लंबित भुज नाभि सुगम सुगम्भित, इसे महापुरुष का लक्षण है। उनका हाथ कहाँ तक होगा जानो तक उनका हाथ होगा, लेकिन हमारा हाथ जब खड़े होगा उतना नहीं होगा, लेकिन जो महापुरुष होगा तब देखो प्रभुपाद का हाथ देख लेना, प्रभुपाद है ना जब देखना प्रभुपाद का हाथ देखना पूरा हाथ जानो तक उनका लंबा है प्रभुपाद का। इसलिए कहते अजान लंबित उनको हाथ है, और जो नाभि है ना गंभीर नाभि जैसे होगा वो गंभीर नाभि होगा उनका है, और सुरंग अधर उनका जो अधर है बड़ा सुंदर उनकी अधर एकदम लाल रंग की, उनका जो दांत है ना जैसे मुक्ता को भी निंदा करता है, मतलब मुक्ता को भी क्या बोलते हैं मुक्ता को भी जय करने वाले, उनका जो जैसे उनको उदाहरण दिया है जैसे अनार का दाना होता है ना उनका दांत ऐसे अनार का दांत जैसे, और कहते उनका उनका जो भ्रुभंगी है भ्रुभंगी भ्रुभंगी कैसे है, बोले काम सरासन जन भ्रुभंगी पतन, जैसे काम जब सख्यात उनकी उनका भ्रुभंगी ऐसे है, अरुण कमल जन चरण जुगल उनका जो चरण है कैसे एकदम लाल वर्ण के उनकी चरण जुगल, बोले दस नख जन दस दर्पण निर्मल, कहते जो उनका हाथ का जो नख है ना कैसे है जैसे एक 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 शीशा जैसे दर्पण, दर्पण मतलब जो शीशा है जैसे उसमें मुंह दिखता है, कहते महाप्रभु जो जो नाखून में जैसे मुंह दिखेगा है दिखता है इतने सुंदर का दर्पण। बोले कौन राज्य रवा कौन राजा नंदन ज्ञान पाए न्यासी है कर लगता है, उसको देखने से लगता है ना कोई राजा का कोई बेटा है, शायद उनको कोई ज्ञान प्राप्त हुआ, कहते जिस ज्ञान प्राप्त हो करके उसने चार तरफ में भ्रमण करता है। बोले नवनीत है ते कोमल सर्वांग, बोले उनका शरीर अंग का कोमलता कैसे, बोले मक्खन से भी ज्यादा कोमल उनकी शरीर का अंग, लेकिन ताहते अद्भुत सुना आचार्य रंग, इतना कोमल शरीर लेकिन जब कीर्तन करते करते जब वो पछाड़ खा कर गिरते हैं कहते एक दंड पड़े ना अछाड़ सत सत, एक दंड में सौ सौ बार पछाड़ खा कर गिरते हैं, लेकिन ऐसे पाषाण भांगे तो वो अंग नहीं खेत, ऐसे गिरते हैं जिसे पत्थर से टूट जाएगा लेकिन उनको शरीर में कुछ नहीं होता है, शरीर में कुछ उनकी होता ही नहीं। बोले निरंतर संन्यास ऊर्ध्वर महाबली पणसर प्राय अंग पुलकित पुलक मंडली, कहते उनका शरीर के जो रोंगेट खड़े होते हैं जैसे कटहल है ना, कटहल देखे कि नहीं, कटहल में जैसे रोमावली उसकी है जैसे उनका शरीर में जो रोमावली कटहल का जैसे उनकी सब समय शरीर उनका पुलकित रहता है। बोले क्षण क्षण संन्यास है न कम पहे सहस्र जने और धरी वारे शक्ति नए, बोले क्षण क्षण में संन्यास के शरीर में कृष्ण प्रेम में ऐसे थर 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 करके वो कांपते हैं, सौ सौ व्यक्ति उनको पकड़ करके भी उनको स्थिर नहीं कर सकते हैं। बोले दुई लोचन जल अद्भुत देखिते कत नदी बहे न नापारी कहते, कहते उनका आंखों से जब झरी बहती है
जब आंखों से जब झरी बहती है कद जैसे लग रहा है कितने नदी जैसे बह रही है, नदी जैसे। इसलिए महाप्रभु जब नृत्य कीर्तन करते थे आंखों से आंसू कैसे निकलता थे, पिचकारी होता है ना, है आस पास के लोग गिर जाते थे और जो जहाँ नृत्य करते थे वहां के स्थान खिच खिच हो जाता, किचड़ किचड़ हो जाता था, है। और राधा रानी तो, राधा रानी तो एक मान सरोवर है। कौन कौन देखा मान सरोवर, मान सरोवर देखा, कौन देख लो, तो सब भूल जाए। इसलिए कहते वहां मान सरोवर है, राधा रानी जब मान करके वहां पर गई आंखों का आंसुओं से पूरा एक सरोवर बन गया, इतने। इसलिए उसको कहते मान सरोवर। इसलिए वहां पर, यहाँ पर कह रहे हैं जैसे जैसे कितने नदी जैसे बह रही हैं, भले कखनवा सन्यासी हे न हास्य है अट अट दुई प्रहर रो क्षमा नहीं। जब वो सन्यासी हंसता है हा 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 करते 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 दो प्रहर तक वो शांत नहीं होता है, ऐसे हंसते हैं। भले कखन मूर्छित है सुनी या कीर्तन, कभी कीर्तन सुनते सुनते वो बेहोश हो जाते हैं, किचु ना है चेतन, ऐसे बेहोश होकर पड़ती जैसे उनको मूर्छा भंग नहीं होता है। और बाहु तोले निरंतर बोले हरि नाम भजन शयन आर नहीं किछु का, हर समय हाथ तोल करके बोले निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं श्रीमान महाप्रभु जिस देश होते हुए जा रहे हैं क्या होता है, महाप्रभु का चरण स्पर्श होने पर ये देश का उद्धार हो रहा है, देश का कल्याण होता है। जब एक शुद्ध साधु जब इसे हाथ उठाकर नृत्य करता है स्वर्ग में देवता का कल्याण होता है, जितना दूर तक उनको दृष्टि पड़ती है वो देश उद्धार हो जाता है, उनका चरण स्पर्श पाकर पृथ्वी धन्य मानती। और जब जहाँ पर स्वयं कृष्ण कृष्ण नहीं राधा रानी को साथ में जिस देश में जाए पर देश कितना धन्य है, वो देश कितना धन्य वो देश है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं वो देश धन्य है जिस देश में वो जाते हैं। तो वहां पर एक राजा था जिसका नाम था केशव का, उन्होंने एक सज्जन को बुला करके बोले मैंने क्या सुना है कि कोई सन्यासी आया है और उसको पीछे लाख लाख लोग हरी बोल करते करते जा रहे, उसका बड़ा नाम हो रहा है। इतने में वो व्यक्ति कोई सज्जन व्यक्ति था, सज्जन व्यक्ति था तो उन्होंने जानते ही मुसलमान और हिंदू और भक्ति करने वाले, उसने छुपा करके ना महाप्रभु को बोला नहीं ऐसे कोई बातुल पागल है, हैं वो कोई साधारण व्यक्ति है, दिखे वो कोई गरीब है, इसलिए वृक्ष तल में रहने वाले ये ऐसे कोई व्यक्ति है कि भावुक कीर्तन करता है इतना कुछ नहीं। तो राजा कहता है बोले नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है क्योंकि कहते हिंदू जिसको कृष्ण कहते हैं और मुसलमान जिसको खुदा कहते हैं, हैं कहते वो खुदा कहते हैं, कहते वो लगता है कोई भगवान होगा क्योंकि मैं देश का राजा हूँ, लेकिन राजा होकर मैं क्या करता हूँ, प्रजाओं को खिलाता हूँ पिलाता हूँ सब कुछ करता हूँ मैं, लेकिन जिन प्रजाओं को मैं खिलाता पिलाता हूँ पालन करता हूँ वो मेरे पीछे चुगली करते हैं, प्रजा मेरे पीछे पीछे चुगली कर रहे हैं सबके सब, और ये कुछ लोगों को खिलाता नहीं पिलाता नहीं कुछ नहीं करता है और इसको पीछे लाख लोग ऐसे थोड़ी जाएंगे, जरूर इसको अंदर में कोई विभूति है। इसलिए कहा देखो वो महापुरुष का जहाँ इच्छा आकर के वही रहे है, जहाँ इच्छा वही आकर के रहे जैसे उनको कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, मेरे देश में जहाँ पर रहना वही पर चाहिए। तो बड़ा आश्चर्य होंगे है क्योंकि ये मुसलमान राजा करता है क्या, हिंदुओं का मंदिर को तोड़ने वाले, हिंदुओं का मंदिर को तोड़ने वाले व्यक्ति कभी ऐसे बोलेगा, आश्चर्य बात नहीं जो हिंदू मंदिर को तोड़ता है, बोले ये महाप्रभु का कृपा है, ये महाप्रभु का आशीर्वाद कृपा है जो उसका बुद्धि ऐसे बदला हुआ बुद्धि। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं इतने अद्भुत
इसलिए कुछ लोग महाप्रभु को आकर के बोले, देखो महाप्रभु जी लगता है यहाँ ज्यादा समय रहना सही नहीं है, क्योंकि ये मुसलमान राजा है, पता नहीं इनका बुद्धि कब बिगड़ेगा, फिर किस समय क्या आक्रमण करेगा कोई पता नहीं, इसलिए यहाँ से जल्दी जल्दी चला जाना सही है। तो महाप्रभु यहाँ पर कह रहे थे, क्या कहते, बोले चार सेवक नाम करिले स्मरण, सर्व विघ्न दूर है खंड खंड ये बंधन। महाप्रभु कह रहे हैं जिनका सेवक का नाम सुनने पर स्मरण करने से क्या होता है, सारे विघ्न दूर हो जाता है। कौन वाता हर राजा करे तार भय, जम काल आदि वृत्त भेद गए। महाप्रभु कौन से भगवान है, सख्या जब भी जिसका नाम सुनकर थरथर कांपते हैं, काल जिनके डर से थरथर कांपते हैं, हैं? इसलिए ऐसे जो महापुरुष है भगवान, साधारण राजा क्या कर सकता है, हैं? इतने में भक्त लोगों का मन में कुछ डर देखा, डर देकर महाप्रभु कहते हैं आमी जति बोलाई से राजा मुखे थे, तबे से बोली वे राजा हमारे चाहते। जब तक सभी का हृदय में परमात्मा रूप में खीर साई रूप में भगवान बैठे, भगवान का जब तक मैं उसको मुंह से नहीं बुलाएगा वो क्या बोलेगा, कुछ बोल ही नहीं सकता है। इसलिए अमा देखी वाले शक्ति कौन था तहार, वेद अन्य सुनने देखा ना पाया मार। इसलिए वेद अन्य सुन करते हुए जिसको दर्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए मेरे को कौन दर्शन कर सकता है। देवर से राजर से सिद्ध पुरानी भारत है, हम अनस है क्या ना पाए देखी थे। देवर से राजर से सिद्ध महापुरुषगण मेरे को अन्वेषण करते हैं तभी भी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई डरने का कोई बात नहीं, सबके सब आनंद में निताई गौर प्रेमानंदे हरि। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। बोला श्री सचिनंदन गौर हरि की। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।